नमस्कार भाईजान, अनुमान ये था कि भाई साहब बिजलियां कड़केंगे आज के मैच में। संजू कड़का है भाई, बैक टू बैक शतक। तेरी शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है। लोहा? भैंस की आंख लोहा ही दे दिया अफ्रीका वालों के। बाकी भैंस की आंख सब कुछ छोड़ो, अर्शदीप का तुम यार छोड़ देखो यार भाई। तोबा, ये नहीं सुधरे भैंस की आंख। घायल शेर ये वो, पता नहीं कौन सी बकैतियों के प्रोमो चल रहे थे, ये तो हक गए आज भी। ये ना सुधरे भाई बिल्कुल भी। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई। लोगों, ये मैच बेसिकली 8 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये खत्म हुआ है 9 नवंबर को। संजू सैमसन नेट प्रैक्टिस करके जाता है, नहीं बिल्कुल नेट प्रैक्टिस करके, ये बदतमीजी है, ये बहुत ही बड़े लेवल की बदतमीजी करी है संजू सैमसन ने। ये क्या मतलब हुआ? बाकी सारी टीम मिल के एक्स्ट्रा के रन मिला के कितने रन करती है? लगभग 80-90 रन करती है, और संजू सैमसन अकेला ही 88 रन चौके छक्के से कर देता है और 107 रनों की पारी खेल जाता है मात्र 50 बॉल में। भाई वो बंदा बिल्कुल, मतलब उसने लेग स्पिनर को तो समझा ही नहीं कि लेग स्पिनर बॉलर भी होता है कि नहीं होता है। जैसे वीरूपाजी बोलते हैं ना कि ऑफ स्पिनर बॉलर नहीं होता, वो बॉलर नहीं होता, वैसे ही आज लेग स्पिनर को ओवर नहीं डाल पा रहा था पूरा। ऐसे 2-3 बॉलर थे उनके, 2 बॉलर जो ओवर पूरा नहीं कर पा रहे थे अपना, इतना मुश्किल हो रही थी बॉलिंग करानी। 10 छक्के मारे, 7 चौके मारे संजू सैमसन। देखो यही शायद डरबनी था, मुझे करेक्ट कर देना बाकी भाई लोग, ये शायद डरबनी था लास्ट टाइम जब ओडीआई में संजू सैमसन ने शतक मारा, यहीं पे सीरीज लाइन पे थी, बहुत ज़बरदस्त, वो वैल्यूएबल 100 था, वेस्ट नहीं गया था। उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज में भाई ने आखिरी मैच में शतक बनाया, बांग्लादेश की सीरीज में T20 में, और उसके बाद अब ये बैक टू बैक सेंचुरी बना दी है। मुझे नहीं पता दुनिया में कितने प्लेयर हैं, अभी ज़्यादा सर्च नहीं करिए, कल बात कर लेंगे इस पर कि दुनिया में कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक T20 में शतक बनाया है, लेकिन हिंदुस्तानी पहला ही प्लेयर है शायद, या राहुल ने बनाया हुआ है इससे पहले, पता नहीं क्या था क्या नहीं। कितना, जोहानसबर्ग में था ये? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका में था 100 उसका ओडीआई में, कहने का मतलब एक है, बाद में चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं, ये मुद्दा नहीं है वैसे अपना। तो बहुत ही ज़बरदस्त शतक मारा भाई, और एक 99 मीटर का छक्का, और जो 10 छक्के थे उसमें से आप 10 के 10 छक्के रिपीट पे लगा के दे सकते हो सामने, कहाँ कहाँ। एक भाई उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा था, वो तो मतलब वो तो तुम्हारे मुंह से भी कुछ उफ टाइप कुछ तो निकला ही होगा, इतना बेहतरीन छक्का था। देखो होता क्या है, जब तुम्हें ये पता लगता है ना भाई, देखो अब दोनों चीज़ें देखो जरा, दूसरा ओपनर कौन है? अभिषेक शर्मा, और दूसरा संजू सैमसन। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इन दोनों को बहुत अच्छे से मालूम था बांग्लादेश के 3 मैच और साउथ अफ्रीका के 3 मैच, ये 6 मैचों में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल होने वाले नहीं हैं टीम में, T20 की टीम में वो नहीं होने वाले हैं। अगर इन 6 मैचों में भी, जो कि अभिषेक शर्मा 4 मैच बहुत ही कामयाबी से खराब कर चुका है, ये 6 के 6 मैच ऐसे थे जो अगर तुम इसमें भी अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए या इसमें अपना इम्पैक्ट नहीं मार पाए तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो, फिर तुम बहुत ही वेस्ट कर जाओगे और फिर अपने आप को कोसोगे। पहली बार ऐसा हुआ था संजू सैमसन को जब बांग्लादेश की सीरीज में, उसको ये था, हमने ये बात करी थी बांग्लादेश की सीरीज से पहले कि ये पहली बार शायद ऐसा होगा कि उसको 3 के 3 मैच खेलने को मिलेंगे, अदरवाइज क्या होता था भाई। हाँ 4 और 3 7, ठीक है ये 4 मैच है, सॉरी 4 मैच है ये, सॉरी गलती हो गई, 3 मैच थे बांग्लादेश के और 4 मैच हैं ये, तो ये जो 7 मैच हैं इसमें से 4 मैच खराब कर लिए अभिषेक शर्मा ने, ठीक है 3 बांग्लादेश वाले खराब कर लिए, 1 आज वाला खराब कर लिया, उस पर बाद में आता हूँ। लेकिन जब तुम्हें ये पता लगता है ना कि भाई अब मेरी ना जगह का कोई मतलब कोई खतरा नहीं है मेरी जगह के ऊपर, फिर ऐसी पारी आती है निकल के, फिर इस तरीके से आदमी जाके ना मतलब पड़ जाता है। आज अगर संजू सैमसन की विकेट 15 बॉल खेलने के बाद गिरती, 20 बॉल खेलने के बाद गिरती, उसका स्ट्राइक रेट फिर भी 200 का ही रहता, उसने अपना स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आने दिया, ये सबसे अच्छी और सबसे खास बात थी भाई इसकी। 107 रन किए और वहाँ पर भी इसने एक 100 लगाया था। अब आ जाते हैं अभिषेक शर्मा पर,
अच्छा अब संजू सैमसन की लड़ाई क्या है, अब देखो जरा, ये जो 7 मैच है ना, इसके बाद अगर तुम अपनी जगह नहीं पक्की कर पाए ना, तो इसमें तुम खुद अपने आप को दोष दोगे, किसी सेलेक्टर को नहीं दोगे भाई, और ना ही किसी कप्तान को दोगे, ना कोच को दोगे, ना सेलेक्टर को दोगे, ना कप्तान को दोगे, अपने आप को दोष दोगे। अब संजू सैमसन की लड़ाई पता क्या है, मैं 11 में तो रहूंगा, लेकिन 11 में मेरे को ओपन करानी है, 4 खिलाना है, 6 खिलाना है, 11 खिलाना है, वो देख लेना तुम, लेकिन मैं 11 में जरूर रहने वाला हूं। अब आ जाते हैं, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है, ऋषभ पंत पहली चॉइस होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में, पहली चॉइस। वहां जुरेल अच्छा खेलता है, फिर भी वो दूसरे नंबर पे। तो भाई फिर अच्छा, ऋषभ पंत ने T20 में अच्छा किया नहीं है, इतने सारे चांसेस मिलने के बाद भी अच्छा नहीं किया, तो क्यों नहीं फिर संजू सैमसन को आप भाई यहां परमानेंट करो। देखो गिल और जायसवाल जब वापस आएंगे, वो अभी भी ओपन ही करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ संजू सैमसन ने 11 में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये भाई जितने भी संजू सैमसन के फैंस हैं, ये तुमको बधाई हो, लेकिन अगर इसने बचे हुए 3 मैचों में, क्योंकि ये तीनों खेलने वाला, अगर 1-2 पारी और बड़ी खेल दी ना, फिर शायद ओपनिंग से भी हटाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 214 का स्ट्राइक रेट है, कितने का, 214। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला T20 मैच में भारत ने 61 रनों से जीत दर्ज की, और भारत की तरफ से भारतीय ओपनर संजू सैमसन खेलने आए और शानदार शतक लगाते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। यह संजू सैमसन का लगातार 2 शतक है T20 में। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार शतक लगाया था, और एक यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बढ़िया ब्रिलियंट शतक लगाकर टीम इंडिया को जीत में योगदान दिया, और भारत ने यह मैच 61 रनों से जीत गया। अब कहा जा रहा है कि संजू सैमसन को भारत का ओपनर बना देना चाहिए T20 में, जायसवाल के साथ या फिर किसी अभिषेक शर्मा के साथ लगाना चाहिए, क्योंकि संजू सैमसन को एक परमानेंट ओपनर की तरफ जाना चाहिए। और संजू सैमसन ने 107 रनों की शानदार पारी खेली, इसमें से 10 छक्के और 6 चौके लगाए हैं। और इस पर आइए देखते हैं AB भाई ने क्या कहा संजू सैमसन के ऊपर।